वही एक पता नहीं किसी एक बहुत पुरानी मूवी का एक ऐसा वो था, एक दृश्य इस तरह का, सारी दुनिया उसके पीछे रह गया। और फिर क्या हुआ, वो पीछे था ना बिल्कुल लास्ट में, वो लास्ट में जो था वो सारी दुनिया मेरे से आगे निकल गई, मैं इधर पीछे रह गया। अब कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल लास्ट था, मैंने यहाँ अपना मुंह घुमा लिया, अब फिर दुनिया कहाँ है, बोले वो सब मेरे से पीछे हो गई, मैं सबसे आगे हो गया। ये चक्कर है भाई साहब। सुनो, हमने यहाँ सबसे पीछे थे, दुनिया में सबसे पीछे थे, सबसे पीछे थे, सबसे पीछे थे हम, क्या दुनियादारी में सबसे पीछे रह गए। कोई बात नहीं, हमने मुंह घुमा लिया किधर की, मुक्ति की तरफ। जब हमने मुक्ति की तरफ मुंह घुमा लिया तो बोले सारे लोग हमसे पीछे रह गए, हम मुक्ति में फटाफट आगे निकल गए। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये बातें जो कह रहे हैं ये सुनो जरा, इस कुल में कुछ दम नहीं है, पतन का भय बना रहता है। अर्थात अन्याय रूप प्रवृत्ति करने वाले, अन्याय रूप प्रवृत्ति करने वाले कुटुंबियों के कारण से वंश बदनाम हो जाता है। ओ पांडवों की तो प्रशंसा सब करते हैं, कौरवों का नाम सुनते ही कलंकित नजर आता है। ये कौरव हैं ये सबके सब, ये कौरवों का कुल बदनाम हो गया। कैसे बदनाम हो गया ये कौरवों का कुल, खोटे काम करने वाले। अरे दुशासन जैसे लोग यहाँ हो, दुर्योधन और दुशासन जैसी लोगों की कूटनीतियाँ, कलुषित बुद्धि जहाँ चलती हो, उसका नाम क्या है, बोले बदनाम वंश है वो। इसी प्रकार धन में तो सुख है, धन में तो सुख है भाई साहब, इसीलिए तो तरस रहे हैं। धन तेरस क्यों तरस रहे हो भैया, पता नहीं तरस तरस करके तेरस मना रहा है, धन के पीछे भाग भाग करके। धन की प्राप्ति में भी सुख नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें राजा का भय है, चोर का भय है, लुटेरों का भय है, गवर्नमेंट का भय है। ज्यादा कमाओ तो टैक्स का भय है, ले लेंगे गवर्नमेंट ले लेगी, क्या करें भाई साहब। कहाँ अभी किसने कही बात, एक व्यक्ति को इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर फटेहाल भिखारी उस हालत में अंदर जाते हुए जा रहा था, क्या बोले कहाँ जा रहे हो अंदर, तुम्हारा क्या काम है अंदर, कि टैक्स भरने जा रहा हूँ, कि तुम भी टैक्स भरते हो, कि हाँ टैक्स भरता हूँ इसलिए तो फटेहाल हूँ। अब ये ऐसे ऐसे डायलॉग की बात करता हूँ मैं आपसे, ये हालत है दुनिया में, ये हालत यहाँ बतला रहे हैं। राजा का भय है, पैसा बहुत है तो क्या करे, 30% 40% कहाँ कहाँ तक देगा, बोलो क्या। इनको ऐसा लगता है राजा का भय रहता है, पुलिस वालों का भय, लुटेरों का भय, कानून का भय, नेताओं का भय। तुम्हारे पास में पैसा ज़्यादा है भैया, भिजवा देना 5 पेटी, भिजवा देना ये, भिजवा देना, चुनाव का समय 25 भिजवाने पड़ेंगे सेठ जी, 25 चाहिए। अब क्या करे सेठ जी को, भय है इनका, आ जाते हैं नेता लोग, क्या करो। देखो मौन रखने में विचार, अपन तो शांति रखो भैया, अपन तो शांति से बैठो, इसमें तो सुख है, इसमें तो सुख है ना, बोलो। मौन रखने में भी सुख नहीं है, क्योंकि उसमें दीनता का भय है। मौन मूर्खस्य आभूषणम, तो मौन रहते हो लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, तो मौन रहते हो तुम्हें कोई कुछ समझता ही नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहते हो तुम्हें कोई कुछ गिनता ही नहीं है, इस बात का डर बना रहता है, मैं बोलूंगा नहीं तो पता ही नहीं लगेगा इसको कि मैं कौन हूं, क्या करें बोलो, क्या कहें भाई साहब। शारीरिक शक्ति में भी सुख नहीं है, कोई बात नहीं, मौन की छोड़ो, शारीरिक शक्ति मतलब दुनिया ने कहां कहां सुख की कल्पना की हुई है। एक ही श्लोक में मुझे नहीं लगता है कि आपको जीवन में कभी ये श्लोक पढ़ने का अवसर मिलता, यदि ये संयम प्रकाश नहीं पढ़ रहे होते तो। पता नहीं कौन से ग्रंथ का है, पता नहीं कहाँ से, कौन सा ग्रंथ कब कहाँ पढ़ते कहाँ मिलती ये बात आपको। एक ही श्लोक के अंदर कितनी तरह की बातें लिख दी है इन्होंने यहाँ, कितनी तरह की बातें यहाँ पर लिख दी है। शारीरिक शक्ति में भी सुख नहीं है, इसमें भी शांति नहीं है, क्यों साहब, शारीरिक शक्ति में क्या हो गया भाई साहब, क्योंकि शत्रुओं का भय है शारीरिक शक्ति में। तुम बलवान हो तो तुम क्या सोचते हो तुम्हें दुश्मन छोड़ देंगे, नहीं। सुंदर रूप की प्राप्ति में भी सुख नहीं है, ओ सुंदर रूप की प्राप्ति में भी सुख नहीं है, क्या क्या बताएं, सुंदर हो गया, सुंदर हो गया, अब तो सुखी हूं ना, कि कोई पूछता ही नहीं है, लोग हमें घमंडी कह करके पुकारते हैं, अरे मैं सुंदर हो गया तो मैं क्या करूं, मेरी सुंदरता में मेरे सुभग नाम कर्म का उदय, मेरे शुभ नाम कर्म का उदय कारण है, मैं क्या करूं इसमें। ये डर बना रहता है,
रोगों का डर बना रहता है, सुंदर हो जावे तो, खुद सुंदर हो जावे तो कह रहे हैं ये क्योंकि उसमें बुढ़ापे का भय है, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। क्या इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है, इसमें भी बुढ़ापा झलकता है, आने वाला है, कोई बात नहीं। तो सुंदर सुंदर दिख रहा है ना, कितने दिन चलेगी ये सुंदरता, शत्रुता है ये। क्या ये रूप सौंदर्य में शत्रुता दिखाई देती है, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु च पंडिता, क्या ऋण कर्ता पिता शत्रु माता शत्रु च व्यभिचारिणी। चार लोगों को शत्रु कहा है नीतिकारों ने, चार शब्द दिए हैं माता पिता पुत्र पत्नी के संदर्भ में, माता पिता पुत्र पत्नी ये चारों शत्रु हैं, लेकिन कौन सी परिस्थिति में, ऋण कर्ता पिता शत्रु माता शत्रु च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु च पंडिता। लो पिताजी कर्ज 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 ले ले करके चले जाए, मान लो उतारे नहीं कर्ज लेकर के, तो क्या होगा, वो ऋण कर्ता पिता शत्रु है, बच्चे पूरी जिंदगी चुकाते रहेंगे, दुश्मन है वो। और माता यदि व्यभिचारिणी हो तो हमारे सारी दुनिया लांछन लगाएगी, चिल्लाएगी, पुकारेगी, हीन दृष्टि से देखेगी। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता शत्रु से व्यभिचारिणी, और रूपवती भार्या शत्रु, लो रूपवती भार्या शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु है, कि गजब कर रहे हो आप, सुंदर पत्नी को शत्रु कह रहे हो, कि तेरे दिमाग में शक बना रहता है, तेरे दिमाग में पीड़ा बनी रहती है, तेरे दिमाग में टेंशन बनी रहती है, तू छोड़ नहीं सकता, तू बात नहीं, मतलब अकेले नहीं छोड़ सकता, अकेले चले जाए, किसी से बात करे, किसी से कुछ करे, तेरे को ऐसे ऐसे लगता है, तेरे को कहीं किसी से चक्कर तो नहीं, तू दिन भर टेंशन आकुलता पे टेंशन के अंदर जीता है, तू शत्रु है, और क्या है। हाँ पुत्र शत्रु से अपंडिता, पुत्र कैसा शत्रु है, अपंडित मूर्ख पुत्र शत्रु है, वैसा क्या कहें। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, तुझे क्या चाहिए बता, बता तुझे क्या चाहिए, कौन सी चीज तुझे चाहिए। हर व्यक्ति दुखी है, हर हाल में दुखी है, हर परिस्थिति में दुखी है, कहीं चैन नहीं है, कहीं शांति नहीं है। अरे निज आत्मा को जाने बिना कहाँ शांति मिले भाई साहब, सारे दुनिया के लोग दुखी हैं, आकुलता ग्रस्त हैं। अपने आप को देख लो, अपने आप को ये चैतन्य तत्व को देखे बिना सुख शांति मिलती नहीं है, सुख शांति नहीं मिलने वाली है। सुख तेरे भीतर भरा हुआ है, तू बाहर में सुख तलाश रहे हैं क्या। रंच मात्र सुख नहीं है, रंच मात्र भी क्या करेगा, सुंदरता का क्या करेगा, शरीर का क्या करेगा। आगे देखो एक एक स्टेप पर ऐसी चर्चाएं की है इन्होंने। शारीरिक शक्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि शत्रुओं का भय, सुंदर रूप की प्राप्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि डर है बुढ़ापा नहीं आ जाए, डर है चेहरा नहीं बिगड़ जाए क्या। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। अभी ये क्या 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 हालत है, अरे सनस्क्रीन लगाओ, ये लगाओ, ये लोशन लगाओ, धूप में नहीं, इसमें नहीं, काला पड़ जाएगा, अरे ज़्यादा इसमें नहीं, ओ वो बिना इसी के नहीं, धूल में नहीं, इसमें नहीं, ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है तुझे, कहाँ तक टिकाएगा, कहाँ तक बचाएगा तो इसे, तेरे बचाने से बचेगा क्या ये शरीर, क्या कुछ नहीं है ये, बचाने से बचता नहीं है ये, संभालने से संभलता नहीं है, टिकाने से टिकता नहीं है ये, रूप और सौंदर्य आज तक किसी का नहीं टिका है, क्षण मात्र के अंदर गायब हो जाता है भाई साहब क्या। क्षण मात्र में देखते ही देखते हैं कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए नजर आते हैं, देखते ही देखते क्या होता है, शरीर काला पड़ जाता है, देखते ही देखते झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। हो देखो जरा, सुंदर रूप की प्राप्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि बुढ़ापा, बुढ़ापा खतरनाक है, बुढ़ापे की हालत तो बहुत खतरनाक होती है भाई साहब। ये बुढ़ापे की हालत को जवान लोग नहीं समझ पाते हैं क्या, समझते ही नहीं है ये जवान लोग, इनको दिखता ही नहीं है वो बुढ़ापे की दशा। लेकिन बुढ़ापे की दशा में जब रोग आकर के घेरते हैं, जब बिस्तर पकड़ लेते हैं, जब खाट पकड़ लेते हैं, जब सूसू पोटी उन्हीं बिस्तरों के ऊपर होती है, जब वॉशरूम जा नहीं सकता है, जब पड़ा रहता है बिस्तरों के ऊपर, जब खाट पकड़ लेते, क्या हालत होती है। और आनी है सबकी ये दशा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, कांच की तरह दिखाई देती है हड्डियाँ, एक ठोकर लगती है थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाता है, बाथरूम में गिर जाता है, सर पर चोट लग जाती है, याददाश्त चले जाती है, दिमाग बहक जाता है, बहकी बहकी बातें करने लगता है,
बड़ी, मैं थोड़ा कह रहा हूँ सच में, मतलब ये बातें, ये मनुष्य जीवन की बड़ी बहुत माइनस पॉइंट है, बहुत माइनस पॉइंट है इस मनुष्य शरीर में। लेकिन नरभव लाहो लीजिए, इस मनुष्य जन्म का लाभ ले लेना चाहिए हमारे को, जितना संभव हो सके इसका लाभ ले लो। अरे बचा हुआ पर्याप्त है, चिंता मत करो, आपके पास में बहुत माल है, आपके पास में बहुत समय है, जितना बचा है वो पर्याप्त है। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, बीती हुई को विसार दे और इस चैतन्य तत्व के दर्शन कर ले। देखने लायक तो ये है, जितनी चीजों में सुख नहीं है, ये बातें यहाँ कह रहे हैं, वहां से दृष्टि हटाओ और अंदर में ले जाओ, वहां से दृष्टि हटाओ और अंदर में ले जाओ, वहां से हटाओ और भीतर में ले जाओ, ये काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक तू ही धनवान है चेतन, एक तू ही धनवान है बस, सच में एक तू चैतन्य तत्व, तू धनवान तत्व है। अरे तेरे चैतन्य तत्व इस स्वभाव का अवलंबन लेने पर बड़े बड़े धनवान लोग धनवान बन गए। अरे ये मुनिराज मुनिराज कैसे बन गए, ये अरिहंत अरिहंत कैसे बन गए, ये तीर्थंकर तीर्थंकर कैसे बन गए, इन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति कैसे कर ली है। अरे उस धन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, चेतन धन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वे धनवान हो गए, पंच परमेष्ठी पूज्य हो गए, तीन लोक में महान हो गए। क्यों पूज्य हो गए? अपने आप को देख कर। इसलिए दृष्टि हटाओ, कितनी बातों से यहाँ हटा दिया है, स्त्री आदि विषय भोगों से दृष्टि हटा दी है पहले नंबर पर, कुल प्रतिष्ठा से दृष्टि को हटा दी है इन्होंने, फिर उसके बाद में धन में सुख नहीं है, राजाओं का भय था, मौन में सुख नहीं है, शारीरिक शक्ति में सुख नहीं है और सुंदरता में भी सुख नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा दिखाई देता है। ओ अब क्या करें, रूप रूप देख लो, रूप रूप चतुर्दशी कहता है, रूप देखो, चेतन अपनो रूप निहारो, क्या नहीं गोरो नहीं कालो, चेतन अपनो रूप निहारो। चेतन अपने रूप को निहारो, जो गोरा नहीं है जो काला नहीं है, देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व, ऐसा रूप है जिसे देखते हुए मुनिराज अघाते नहीं है, जिसे देखते हुए अरिहंत सिद्ध परमात्मा सादी अनंत काल तक उस चैतन्य के रूप को देखते देखते कभी उकताहट नहीं होती है। ऐसे रूप को देखो जरा, हे चेतन अपने रूप को देखो। महावीर भगवान किसके रूप को देख रहे हैं? महावीर भगवान अपने रूप को देख रहे हैं, वे अपने स्वरूप को देख रहे हैं, तो अपने स्वरूप को क्यों नहीं देखता है? उनकी नासाग्र दृष्टि, हमारे भगवान अपने को देखते हैं, तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते हो, ये बताओ। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, और देखो, और अर्थात वृद्धावस्था में तमाम रूप नष्ट प्राय हो जाता है। ये शब्द, ये वाक्य कितना खतरनाक वाक्य लिखा है इन्होंने, अर्थात वृद्धावस्था में तमाम रूप, ओ वृद्धावस्था में तमाम रूप नष्ट प्राय हो जाता है। आपकी 20-25 साल की उम्र की फोटो और 70 साल की उम्र की फोटो को जरा मिला करके देखो, आपको पता लगेगा। 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में जिस तरह से अपने रूप सौंदर्य को देख करके इटलाते थे, गर्व करते थे एक्शन से, देवानंद स्टाइल में, और ये लगता था ऐसा कि ओ मैं तो, मेरे जैसा कोई नहीं है, कामदेव जैसा, ओ अपनी फोटो और स्टाइल में स्टाइलिश फोटो। आजकल तो सेल्फी के ज़माने हैं, सेल्फी ले ले करके जरा इस सेल्फी का मिलान करना अपनी 70 साल की उम्र से, 80 साल की उम्र से, फिर देखना जरा, अरे पहचान नहीं पाएगा, फिर बच्चे पोते कहते हैं दादी ये आप ही की फोटो है क्या, अच्छा दादा ये आप ही की है क्या, बोलो क्या बताएं, ये मेरी है, और आप तो बहुत सुंदर लगते थे, ये क्या हुआ। एक जोक याद आ गया मेरे को, एक बच्चा अपने माता पिता के उसके शादी का एल्बम देख रहा था, और एल्बम देखते देखते, जोक है मजाक की बात है, वो बच्चा अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये हैंडसम अंकल कौन है, बोले बेटा ये तेरे पापा हैं, तो फिर ये मेरे पापा हैं तो अपन इस गंजे के साथ में क्यों रहते हैं। जोक था सिर्फ, पहचानने में नहीं आती है शक्ल, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, 20 साल बाद में अपनी शक्ल खुद नहीं पहचानता है, दूसरे नहीं पहचानते, मुंह बना बना करके फोटो खिंचवाता है, कौन देखता है, कौन पहचानता है तेरी फोटो को, अखबार में छपी थी खुद संभाल करके रखता है, 40-40 साल पहले की फोटोएं दिखाई देती है क्या, ये फोटो दिख रही है मेरी थी, मेरी थी तो तुम्हारी है क्या, सच में तुम्हारी है क्या, पहचानने में तो नहीं आ रही है, तुम्हारी है क्या, क्या क्या तुम्हारी तुम्हारी क्या कर रहा है,
इस जीते जी तेरी फोटो तेरी शक्ल कोई नहीं पहचान पा रहा है, तो खुद नहीं पहचान पा रहा है, जीते जी की बात कर रहा हूं मैं क्या? सोचना जरा, ये दिखा रहे हैं यहां वृद्धावस्था में तमाम तमाम रूप सौंदर्य सब नष्ट प्राय हो जाता है। 80 के दशक की फिल्म हीरोइने, आज देखो जरा उनकी शक्ल, कभी कभी ऐसे दृश्य आप देखो, वो क्या दिखते थे और आज क्या दिखते हैं, क्या है शक्ल, सब धूल चाट रहा है चेहरा लगा लगा करके, मेकअप कर करके, ऊपर से पापड़े यहाँ उतर रही हैं, कुछ नहीं है, अंदर की चीज़ बाहर निकल रही है। देखो वृद्धावस्था में तमाम रूप, तमाम रूप उर्दू शब्दों के कैसे प्रयोग करते हैं यहाँ, नष्ट प्राय हो जाता है। विद्वत्ता प्राप्ति में भी सुख नहीं है, क्यों भैया विद्वत्ता प्राप्ति में क्या तकलीफ है, इसमें तो बड़ी शांति होगी क्या? विद्वत्ता प्राप्ति में तो इसमें तो सुख मिलेगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो यार, विद्वान है भाई साहब, विद्वानों की तो बात ही क्या है। अरे विद्वानों की बात, क्योंकि उसमें शास्त्रार्थ का भय, जचे जो कोई व्यक्ति कुछ भी प्रश्न पूछता है यार, मुझे कोई सारे प्रश्नों का, मैं कोई भगवान हूँ क्या, मुझे कोई सारे प्रश्न, नहीं नहीं साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, कि क्योंकि पंडिताई पढ़ी है तुम्हारे माथे पे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, शास्त्रार्थ का भय रहता है क्या? जब ओपन डिबेट होती है, जब शास्त्रार्थ होते हैं, ये पुराने जमाने का श्लोक है, शास्त्रार्थ हुआ करते थे पहले के ज़माने में, तुम पंडित हो आ जाओ शास्त्रार्थ के लिए, मैदान में उतर करके आओ, खुले मैदान में महाराजा बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इधर से ये बोलेगा और उधर से वो तर्क करेगा, ऐसे शास्त्रार्थ हुआ करते थे पहले के ज़माने में, भय बना रहता है। तुम ज़्यादा ज्ञानी हो ना, जवाब दो हमारे प्रश्नों का, हमारे प्रश्नों का जवाब दो, तुम्हें क्या कहना है, कुछ नहीं है, शास्त्रार्थ का भय बना रहता है। ये डरता है व्यक्ति, कहाँ डर नहीं है, अरे डर तो अंदर नहीं है, स्वभाव को देखने पर भय नहीं है, बाहर में चारों तरफ भय 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 का वातावरण है, अंदर में अपने स्वभाव को देखो और निर्भय हो जाओ, ये निर्भय होने का मार्ग है। ये भय दिखा रहे हैं दृष्टि हटाने के लिए, ये भय कोई डराने के लिए नहीं दिखा रहे हैं क्या? समझ में आ रही है बात? ये जितने भय दिखा रहे हैं, ये सारे भय आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, ये सब ये दिखा रहे हैं कि ये तुम नहीं हो, इसलिए इनसे मत डरो, अपने रूप को देखो, अपना जो चैतन्य रूप है, अपना जो चैतन्य स्वरूप है, उसमें नहीं है ये कुछ भी, उसमें धन नहीं है, उसमें लोभ नहीं है, उसमें शरीर नहीं है, उसमें बदसूरती नहीं है, उसमें प्रतिष्ठा कुल का किसी तरह का खतरा नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, अपनी संपदा के अंदर राजाओं का भय नहीं है, अपने चैतन्य रूप में ये वृद्धावस्था का डर नहीं है, क्योंकि मैं वो तत्व हूँ जिसको वृद्धावस्था नहीं होती है। जरा देखो अपने उस चैतन्य स्वरूप को जिसमें वृद्धावस्था नहीं है, जिसमें बुढ़ापा नहीं है, अरे अजर अमर तत्व हूँ भैया मैं, मेरा कहाँ बुढ़ापा, मुझ में बुढ़ापा नहीं है, मैं बुढ़ापे से परे तत्व हूँ। ये क्या बातें हैं भाई साहब, संसार की नश्वरता भी दिखा रहे हैं, जगत का स्वरूप भी बतला रहे हैं, चैतन्य स्वरूप को भी दिखा रहे हैं, बाहर से हटाने की बात भी कह रहे हैं, अंदर में लगाने की बात कह रहे हैं, ये कोई गजब गजब की बातें हैं। शास्त्रार्थ का भय किनको, विद्वत्ता के गुणों की प्राप्ति में भी सुख नहीं है, अरे बाप रे क्या बात कह रहे हो, ऐसा गुणों की प्राप्ति में भी सुख नहीं है क्या? गुणों की प्राप्ति में क्या प्रॉब्लम है, गुणों की प्राप्ति में क्या हो गया? तो ये कह रहे हैं क्योंकि उसमें दुष्टों का भय है। लो हिसाब, हमें गुणों की प्राप्ति हो गई, इसमें दुष्ट लोग क्या करेंगे? कि नहीं, दुष्ट लोग बहुत हैं, उन्हें गुण नहीं सुहाते हैं, आपके गुणों को देख देख करके वे दुष्ट लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, ये गुणों की प्राप्ति में तकलीफ है। दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, ये आपके पीछे पड़े रहेंगे जान हाथ में लेकर के। जिन व्यक्तियों के पास में थोड़ा टैलेंट होता है, उन व्यक्तियों के दुश्मन बहुत होते हैं। जिन व्यक्तियों के पास में थोड़ा सा कला है, योग्यता है, सामर्थ्य है, गुण है, थोड़ी बहुत विशेषताएँ जिस व्यक्ति के पास में, टॉप करता है स्कूल में, क्लास में, क्लास के दूसरे बच्चे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दूसरे सब सब उससे चिढ़ने लगते हैं, सब उससे जलने लगते हैं, लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। लो ये गुण गुण होने का ये नतीजा मिल रहा है हमारे को, दुष्टों का भय, दुष्ट लोग बहुत है ना टांग खींचने वाले, क्या करें। हमारा बच्चा मूढ़ है, ना समझे, मूर्ख है, एक भारी टेंशन है, समझना, बच्चा मूर्ख है, मूर्ख है, उसमें अकल नहीं है, ना समझे, भारी टेंशन है आपको, और हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, भारी टेंशन है, ये क्या चक्कर है भाई साहब, दिन रात टेंशन ही टेंशन है। बच्चा मूर्ख था तो टेंशन है, और बच्चा बहुत होशियार है तो टेंशन है, समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है ये।
इंटेलिजेंट है तो भी टेंशन है, तो किस बात की टेंशन है? अब किस बात की पीड़ा है तुम्हारे को? बच्चा बहुत होशियार है, होशियार है इसीलिए तो प्रॉब्लम है। आत्महत्या कर लेते हैं होशियार बच्चे, मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं होशियार बच्चों का, क्या करें? ये गुणवानों को दुष्टों का भय है, इसलिए कहाँ तक कहें भाई साहब, कहाँ तक कहें? महाराज साहब कह रहे हैं भैया हम कहाँ तक बतलाएं? इसलिए संसार में मनुष्यों की तमाम इष्ट सामग्री के साथ में दुख लगा हुआ है। लो, इष्ट सामग्री के साथ में दुख लगा हुआ है। कंप्यूटर है तो वायरस है। हमारे बड़े दादा पंडित रतन चंद जी भारिन साहब, उन्होंने एक पुस्तक में इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया। हो ईश्वर कर्तृत्व के निषेध के संदर्भ में उन्होंने इस तरह की बातें लिखी, बहुत सारी, बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारी युक्तियां दी उन्होंने। दादा ने ऐसा लिखा वहां पर, उन्होंने कहा सुनो जैसा ये वाक्य है ना, मनुष्यों की तमाम इष्ट सामग्री के साथ में दुख लगा हुआ है, उसी तरह से उन्होंने वहां तर्क दिए, अरे यदि ईश्वर ने कंप्यूटर बनाए तो वायरस क्यों बना दिए? ईश्वर ने यदि ये सुंदर शरीर बनाया है तो इसे रोगों से क्यों घेर लिया गया? ईश्वर ने यदि सुंदर सुंदर फ्लावर बनाए हैं, फूल बनाए हैं, तो उनमें कांटे क्यों लगा दिए हैं? ईश्वर ने यदि सुंदर सुंदर चंदन के वृक्ष बनाए हैं तो उन्हें सर्पों से क्यों लपेट दिया? ईश्वर ने यदि धन संपत्ति बनाई है तो जगत में लुटेरों को क्यों पैदा कर दिया? ये सब परस्पर विरोधी चीजें। कल्पना करना जरा एक बार, सोचना एक बार बुद्धि से, ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है। चारों तरफ विरोध 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 का वातावरण, क्या करो? सब जगह पर जितनी इष्ट सामग्री आपको दिखाई देती है, जितनी अनुकूलताएं आपको दिखाई देती है, जितना आपको ऐसा लगता है ये अनुकूलता, ये अनुकूलता, ये इष्ट सामग्री, ओ मजा आ गया, मजा आ गया, क्या इष्ट सामग्री? वो इष्ट के पीछे अनिष्ट छिपा हुआ है, अनिष्ट छिपा हुआ है। जिसको जो अच्छा समझ रहा है उसके पीछे ये सब चीज़ें तकलीफ देने वाली ये सब छिपी हुई है। इतने अच्छे अच्छे कंप्यूटर चलती चलती फाइल बंद हो जाती है, करप्ट हो जाती है। लो क्या करो भाई साहब, सर पकड़ लो अपना, कुछ नहीं है। जिस दिन एक सेकंड में नहीं लगती है आपको मेल भेजने में, लेकिन जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट काम होता है ना, कोई ज़रूरी काम होता है, उसी दिन कंप्यूटर हैंग हो जाता है, फाइल अटैच नहीं होती है, ये नहीं होती है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, पहुँच ही नहीं रही है, इमरजेंसी है। क्या क्या हो, क्या गया? ये काम तो दो मिनट का ही था, फिर क्या हो गया? आज ही होना था ये सब कि हाँ भैया आज ही होना था, क्या करो? ये सब जगत के स्वरूप हैं, ये सब संसार के स्वरूप हैं भाई साहब। क्या बोलो? इसलिए संसार में मनुष्यों की, हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, मनुष्यों के संदर्भ में कह रहे हैं, संसार में मनुष्यों की तमाम इष्ट सामग्री के साथ में दुख लगा हुआ है, तमाम इष्ट सामग्री के साथ में। बोलो आपको क्या इष्ट लगता है? धन, तन, यौवन, बोलना। तीन शब्द दिए, सबकी व्याख्या आ चुकी है यहाँ पर। धन, तन, यौवन, जन, जन, धन, तन और यौवन, बोलो।